हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और न्यू अपडेट बताने के लिए मैं आपके पास जुड़ चुका हूं। मेरे प्यारे सिस्टर, आपने जो यहां पर एमपी के अंतर्गत एनएचएम के लिए 1200 सीट के लिए जो वैकेंसी निकाले गए हैं एएनएम के लिए, और इनका एएनएम का आपने एग्जामिनेशन दे दिया है। एग्जामिनेशन देने के बाद सारे कैंडिडेटों का इंतजार है कि रिजल्ट कब तक आएंगे, रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कैसे किए जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेना है, और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो किसी भी प्रकार से दिक्कतें नहीं होंगे। साथ ही कुछ बात है जिस बातों को लेकर के आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, कमेंट आप लोग किए थे। अब ये कौन सी पॉइंट है जिसको लेकर के आप परेशान हैं और परेशान नहीं होना है, क्यों? क्योंकि हम सारी चीज़ों को इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑफिशियल जानकारी की तरफ और पूरी डिटेल्स में जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आ चुके हैं sems.co.in के वेबसाइट पर। इसी वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पर एमपी एनएचएम की जो वैकेंसी है, एमपी एएनएम की जो वैकेंसी है, इस एएनएम वैकेंसी को यहाँ पर क्लियर किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे, इसी को स्क्रॉल करते हुए जब यहाँ पर आएंगे जहाँ पर यूपी एमपी एएनएम का बात लिखा हुआ है, यानी कि रिक्रूटमेंट ऑफ अप्रॉक्स 1200 कॉन्ट्रेक्चुअल एएनएम अंडर नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश। अब इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ दिखाई देगा स्पष्ट रूप से, जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ये हम लोग को देखना है कि ऑब्जर्वेशन ऑन क्वेश्चन आंसर की, यानी कि क्वेश्चन आंसर की को जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करना है, यानी कि आपको देखना है कि जो आंसर की दिया गया है वो आंसर आपके द्वारा जो दिया गया था वो सही है या नहीं है। तो हम लोग इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नया पेज खुल करके आता है और यहाँ पर लिखता है कि रिटेन टेस्ट हेल्ड ऑन जनवरी 21 को आपने जो एग्जामिनेशन दिया था उसी के अनुसार से। और यहाँ पर कह रहा है कि रोल नंबर और आप लोग को डेट अपना बर्थ दे करके सबमिट करके आप लोग अपना आंसर की चेक कर लीजिए। और ये जो आंसर की बात करेगा, ये आंसर की चेक करने का लास्ट डे आप लोग को 29 जनवरी रखा गया है। शायद सारे कैंडिडेटों के यहाँ पर मालूम होंगे। हम आपको दिखा देते हैं एक बार और, यहाँ पर नोटिस डाउनलोड करके, नोटिस हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो नोटिस इसमें देखिएगा तो इसमें देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि 21 जनवरी को आप लोग को एग्जामिनेशन हुआ था और आप लोग को जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने का टाइम दिया है वो 29 जनवरी 2023 है। यानी कि सिर्फ आपको कल के डेट तक यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करना है, यानी कि अपना आंसर की को ऑब्जेक्शन देना है। तो जो कैंडिडेट अभी तक नहीं किए हो, लिंक हम आपको दिखा दिए क्लिक करके कैसे करना है, या फिर ये लिंक है इस पर जाकर के आप लोग पूरा आंसर की को ऑब्जर्वेशन कर लीजिए, देख लीजिए। अब रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट आप लोग को 20 फरवरी तक रिजल्ट आने की उम्मीद है। चूंकि यहाँ पर जो आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन देंगे, ऑब्जेक्शन को देखने के लिए उन्हें कम से कम 7 से 10 दिन का टाइम लगता है। अब 7 से 10 दिन के टाइम लगने के बाद आपको 10 दिन के बाद आप लोग को रिजल्ट यहाँ पर प्रकाशित किए जा सकते हैं। तो किसी भी कैंडिडेट को घबराना नहीं है, रिजल्ट के लिए आप लोग को 20 फरवरी तक आपको अपना यहाँ पर वेट करना होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे कि कितने कैंडिडेटों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना है। देखिए 1200 कैंडिडेट है यहाँ पर, इसमें 1200 कैंडिडेटों के लिए अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो कम से कम यहाँ पर 3 गुना कैंडिडेटों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर 3600 कैंडिडेट को तो बिल्कुल रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। तो आप लोग समझ सकते हो कि कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा नहीं जाने वाला है, चूँकि टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे एएनएम सब्जेक्ट से और एएनएम का ज़्यादातर तैयारियां नहीं रहती है बहुत सारे कैंडिडेटों को। चूंकि एएनएम करने के बाद बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो या तो जॉब पकड़ लेते हैं या बहुत सारे की पढ़ाई छूट जाते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है कट ऑफ को लेकर के। अब यहां पर जब रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग को सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे इसके लिए मैं एक आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो आपको कल या परसों तक में मिल जाएंगे। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो उससे पहले भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। इसलिए सारे एमपी के जो भी एएनएम के है वो परेशान नहीं हुई है। अब आप लोग के रिजल्ट आने की संभावित 20 फरवरी तक बढ़ गया है। चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्दी आ जाएंगे और आगे की प्रोसेस के लिए मैं आपको जल्दी वीडियो बनाकर लाऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। एक बात और, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी हमसे सारी बातें पूछ सकती हो। थैंक यू।